अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने अपने वर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल डीजी वर्ड्स ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज मिले। सबसे पहले तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग अपने फिंचेस के लिए नेस्टिंग बना रहे हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, ये नेस्टिंग हम, ये गधा घास है और ये धुली हुई घास है, धुली हुई है। और ये हमारा नारियल का झूट है जो नारियल में से निकलता है और ये बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं उसके बाद ये नेस्टिंग बनती है। और सबसे पहले नेस्टिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये टाइगर वालों का या पावर प्लस वालों का हो तो सही है, वरना तो दूसरे टूपैक्स जो है वो काम नहीं करते हैं। और ये मटकियाँ हैं, अब इसके अंदर हम लोग टूपैक्स डालते जाएंगे और नेस्टिंग थोड़ी थोड़ी डालेंगे खुद से, बाकी हम ज़मीन पर डाल देंगे। उसके बाद ये होगा कि ये खुद उठा लेगी और नेस्टिंग अपनी बनाना शुरू कर देगी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको नेस्टिंग कैसे हम इसके अंदर डालते हैं। दोस्तों ये देखें, इसमें हमने कूपैक डाल रहे हैं, हम लोग इस तरीके से कूपैक डाल रहे हैं। सब में थोड़ा थोड़ा इससे ये होता है कि चूटियाँ इसके अंदर नहीं आती हैं, वरना चूटियाँ हमला कर देती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे मटकियों के अंदर चूटियाँ आ गई, बच्चे निकल आए तो चूटियाँ, बारी चूटियाँ हमला कर देती हैं उनके मटकियों पर। इससे ये होगा चूटियाँ नहीं आएंगी। ये देखें, थोड़ी सी घास हम लोग खुद डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ी थोड़ी डाल दें, और थोड़ा सा छिलका डाल दें। ये देखें, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये बाकी खुद इसके अंदर ये भर लेंगी, जैसे इनको भरना होगा। अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इनको बना के दे दिया। ये देखें, दोस्तों इसके अंदर तमाम मटकियों में घास डाल दी हम लोगों ने, और एक हमसे गलती से टूट गई, हाथ से छूट गई तो वो टूट गई नीचे गिर के। बाकी अब ये 17 मटकियाँ लगी हुई हैं और 15 जोड़े हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं इनका बाहर से बैठ के, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, भी इन्होंने नेस्टिंग ले जाना शुरू कर दी है। फिर नेस्टिंग लेकर जा रहे हैं अपनी अपनी मटकियों में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी जब प्रोग्रेस आएगी हम आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे इनकी प्रोग्रेस भी आपसे। और आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिए। अल्लाह पाक तमाम लोगों के बर्ड्स को नज़र बस से बचाए और सबके लिए अच्छी ब्रीड आए, सब लोगों के पास अच्छी ब्रीड आए। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलें सबसे पहले। चलिए फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।